अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है बड़ी इजी सी है। यंगस्टर्स जो लड़के लड़कियां हैं उनको बड़ी रिक्वेस्ट आती है कि आप यहाँ पे ठेले वाले जो चिप्स है ना वो बनाना सिखा दें, क्योंकि जब कोई ठेले वाला आता है तो मैं अपने बच्चों को नहीं लेने देती। आपको पता है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना घी की जरा तसल्ली नहीं होती, लेकिन फिर भी मलाइका अनुषा पता क्या करती है, जब इनको स्कूल से छुट्टी होती है सामने ठेले वाला खड़ा होगा उनसे चिप्स लेके खा लेती है। मुझे तब पता चलता है जब दो दिन के बाद इनके गले खराब हो जाए, क्योंकि वो घी में फ्राई करते हैं, ऑब्वियस है कि वो ऑयल में, साफ ऑयल में फ्राई नहीं करते। आज बड़ी इजी और झटपट सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ में गुड न्यूज ये है कि आज मैं गिव अवे जो मैंने जीज का अनाउंस किया था, जी स्टोर का, उनका आज मैं गिव अवे के विनर्स भी अनाउंस करूंगी। इतना आप लोगों ने माशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस दिया, इतने लोग आए, इतने ज्यादा आए कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने सिर्फ 5 जो है वो सारे फॉलोअर्स जो है उनको करना है सिलेक्ट। जो सिलेक्ट हो जाए उनको बहुत बहुत मुबारक, लेकिन जो रह जाए मुझे खुद पर्सनली बड़ा फील होता है, लेकिन मैं अब क्या करूंगी क्योंकि सिर्फ ज्यादा हमने 5 ही विनर्स जो है वो अनाउंस करे थे। साथ में गुड न्यूज है, गुड न्यूज क्या है वो मैं आपको रेसिपी समझा लूंगा फिर बताऊंगी। 4 से 5 हमने बड़े बड़े आलू ले लिए थे, इसे तकरीबन ना मैंने 1 घंटे के लिए पानी के अंदर 1 चम्मच जो है वो नमक ही डाल के इसे सोक कर लिया था पानी के अंदर, ठीक है। इस तरह जो इनका एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो निकल जाता है, ठीक है। अब मैं एक दफा ना इनको ये पानी गिरा लूँ, क्योंकि मैंने खुद ही कुकिंग जब करनी है तो मैं बर्तन इतने नहीं बनाते, ठीक है जी। इस तरह अब आपने चिप्स, अब आप ना इंग्रीडियंट्स नोट करते जाएंगे, जो ठेले वालों के जो टेस्ट आपको अच्छे लग रहे होते हैं ना उनमें। सॉल्ट आपने ले लेना है जो आपके टेस्ट के मुताबिक है, यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून ले लिया है, साथ में ही 1 ही चम्मच मैं तो लगाऊंगी जी, साथ में रेड चिली पाउडर वो भी आपने 1/2 टीस्पून ले लेना है, साथ में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी चुटकी जितनी, ठीक है। हल्दी जो होती है ये बहुत अच्छी होती है, किस लिए, इन्फेक्शंस के लिए, हर तरह के मसले के लिए, खाने में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया करें। कुटा हुआ खुशक धनिया, ठीक है, ये थोड़ा सा हम ज़्यादा ऐड कर लेंगे क्योंकि मुझे तो वैसे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, ये थर्दरी जो मिर्च है ये थोड़ी सी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे मेथी पसंद है, आप लोग चाहें तो ये जो कसूरी मेथी होती है आप लोग चाहें तो ये स्किप कर दें, 1.5 चुटकी इसके अंदर ये जाएगी, सिंपल। ये आप हमारे लिए बना रही हैं, अपने लिए? मैं सबके लिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी रेसिपी आती है। आप ये हमें ठेले वाले चिप्स बता दें, ये मैंने पैकेट अभी खोला है बेसन का। अच्छा, इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है ना वो बेसन के चले जाएंगे, ठीक हो गया जी। बेसन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया, ठीक है। इसके अंदर जो एक क्रंच आता है और बड़ा मजे का जो टेस्ट आता है ना वो आता है अजवाइन से। ये जो ठेले वाले ना, ये मैं आपको मजे की बात बता दूँ, ये चुटकी डेढ़ जो है ना अजवाइन के भी अंदर ऐड करते हैं, ये आप लोगों को नहीं था पता। बेस्ट जो हमेशा स्पाइसीज होते हैं वो आपको पता है कि चिकन प्योर के हैं, और इससे ये होता है कि जो आलू से जिन लोगों को खाने से एसिडिटी हो जाती है, मोटापा होता है, तो ये उसको भी कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अभी तो गैस है, मुझे कोई पता नहीं है ये किसी टाइप पे भी ना हमें टाटा पाए पाए कर दे, हमें रस्ते में छोड़ दे। अब बिल्कुल मेरे अंदर एक देसी अम्मा आ गई है शेफ से हट के, हूँ हत्था नाल मिक्स करो। मां बन गया जी? बेटा बन गया, मैंने खा भी नहीं, तुम रह गई हो, मैंने खा लिया, सिंपल जी, ठीक है। अब हमारा ऑयल जो है वो जाहिर है गर्म हो गया है, अल्लाह करे गैस बच जाए, गैस रह जाए और हमारे जो चिप्स है ना वो तैयार हो जाए। देखिए अब गैस का प्रेशर ही लो हो गया, सिलेंडर रख लें, मुझे सिलेंडर पे ना फ्राई करते हुए बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों, मुझे क्यों एक फोबिया सा है सिलेंडर का। बस फोबिया खत्म, चिप्स प्यारे ने या जान प्यारी है। जब आपने इसका कढ़ाई के अंदर ऐड कर देने हैं ना तो आपने बिल्कुल इसे हिलाना नहीं, फिर जो इसका क्रंच है ना वो उतर जाएगा, और तेज आंच पे रखने हैं। इतनी देर में मैं शेल्फ वगैरह समेटती हूँ, जब मैं इसे पलटाऊंगी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, लेकिन इतनी देर में आप जाए जाके देख के आए कि गुड न्यूज क्या है। अभी तक ये स्टील जो है इसको मैंने छेड़ा नहीं है, मैंने कहा मैं आपके सामने कुछ छेड़ा छाड़ी करूंगी, और ये देखें, ठीक है, इसके ऊपर क्रंच लगा हुआ है, बिल्कुल नहीं पड़ा, ठीक है। अब आपने हल्का हल्का इसको पलटा दें, ठीक है। इतनी अजवाइन की वजह से ना इतनी मज़े की खुशबू है, और ये जो सिलेंडर का फ्लोर है इसे अवॉइड करें। अब इसी प्रोसेस के साथ मैं सारा जो है वो चिप्स बना लूँगी, फिर मैं आप लोगों को उधर ले जाती हूँ, क्योंकि तो किचन में शोर है, फिर मैं जितनी भी बातें करूँगी ना आप लोगों को समझ नहीं आएगी। ये देखिए, ठीक है, गोल्डन ब्राउन इनका कलर हो गया है, और अभी तक इसके ऊपर कैसे ये क्रंची और कुरकुरे से मज़े के बने हैं, ठीक है जी। अब इसे आप लोग क्या कहते हैं, अगला पूर मैंने डाल दिया, ठीक है, और ये जो चिप्स बन गए हैं आप देखिए किस कदर क्रंची और कितनी मज़े की इसकी खुशबू है, ठीक है, ये भी बन गए हैं। और जो एक्स्ट्रा बच जाया करें आप लोग बेशक इसे 2 से 3 दिन के लिए आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। सिलेंडर ने सिलेंडर बंद हुआ है, और ये हमजा के लिए मैंने एक डील जो है ये फ्राई चिक्स से बच्चों के लिए ऑर्डर कर ली थी, क्योंकि इन्होंने कहा कि चले फ्राइज के साथ साथ ना। मम्मा ये कितने क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं, आपको पता है इनके अंदर अजवाइन का टेस्ट भी बहुत मज़े का है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना। अच्छा, एंड के ऊपर ये ऑप्शनल है चाट मसाला जो है ऊपर धूड़ लें अगर आपका दिल करे तो, अगर ना दिल करे तो ना धूड़ें। कैसे बने रुषा? तो सारे एक साथ साथ खाती रही हो,
ये साइड पे ना खड़ी थी, साथ साथ वो जो चुंडक मुंडक होती है ना वृषा की शुरू। बाबा आप बताएं। अच्छा जी ये किस कदर क्रंची है आप ये देखें, ठीक है ये आवाज से आपको पता चल जाएगा ये कितने क्रंची हैं। आपने मेरी विंटर की सारी कलेक्शन देखी, वो सारी की सारी जो थी वो मुझे जी स्टोर ने सेंड की थी। इनका इंस्टाग्राम पेज भी है, साथ में व्हाट्सएप के ऊपर भी आप इनको ऑर्डर दे सकते हैं। अभी भी ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ये ब्रीजे का मास्टर रेप्लिका है। आप यकीन करें कि कितनी दफा मैंने इस ड्रेस को अपनी वीडियोज में पहना है, कितनी दफा मैंने इसे वॉश किया, श्रिंक किया, सारे क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर की, और कितनी दफा आप देखे वॉश करने के बाद भी इसका ड्रेस का जो कलर है ना वो ऐसे है कि जैसे बिल्कुल आज ही, जब भी मैं इसे वॉश करती हूँ ना ये पहले से ज्यादा निखर जाता है, जैसे आज ही मैंने इसे बाय किया है। अच्छा इनके पास ब्रीजे का मास्टर रेप्लिका है, साथ में प्राइस इनकी इतनी रीजनेबल है कि तकरीबन 5000 की रेंज में, कि 5500 की रेंज में आपको ब्रीजे का 3 पीस जो सूट है वो मिल जाता है। और दुपट्टा अभी भी मैंने किया, आप देखें इतना इसका लंबा चौड़ा दुपट्टा है कि माशाल्लाह बिल्कुल वही मेजरमेंट बन जाती है। कपड़ा ही अच्छा खासा डिलीवर करते हैं, जो चीज दिखाते हैं वैसे ही डिलीवर करते हैं। अच्छा इनके पेज के ऊपर आप जाएंगे तो आप देखेंगे इनके पास मरीना भी है, शॉल्स भी है, साथ में इनके पास खद्दर भी है, काफी इनके पास वैरायटी है। अच्छा जी ये मैंने आपको अपनी विंटर कलेक्शन भी जब दिखाई थी, और सबसे बढ़ के इनके पास ना टेलर की सहूलत भी है। टेलर क्या है, आप उनको अपना जाएं मेजरमेंट दें, साइज दें, सूट वहां से सिलेक्ट करें, वो श्रिंक करके अच्छा सा सूट बना के आपके ऑर्डर के ऊपर जो है ना आपको ऑर्डर आपके घर पे रिसीव हो जाएगा, अगर आपको अच्छा टेलर चाहिए तो। अच्छा ये भी इन्होंने ड्रेस मुझे इन्होंने ही सेंड कर किया था, साथ में आपको मैंने कहा चले मैं आपको साथ साथ क्वालिटी इनकी दिखा दूं। आप ये देखें इनकी बहुत ही सॉफ्ट सी करंडी है, वो अकड़ी हुई सख्त करंडी नहीं है, चाहे आप जहां से भी इसको ना सूट को चेक कर लें, ठीक है जी, कोई इनके धागे वगैरह नहीं निकलते। कितनी दफा मैं ये सूट पहन पहन के वॉश कर चुकी हूँ। ये इन्होंने मुझे शॉल के लिए सेंड किया था तो साथ में मैंने ये बनवा लिया था, ये इन्होंने शॉल के साथ मुझे जो है करंडी में ही स्टिच करके भेजा था। अच्छा सबसे बढ़ के इनके पास ब्रीजे की जितनी भी वेलवेट है उस तरह के भी इनके पास डिजाइन है, ठीक है, ये इन्होंने खुद से मुझे टेलर से स्टिच करवा के दिया था, और इतना ये खूबसूरत लगते हैं जिस तरह आप रिसेंट वे में कैरी करते हो बेस्ट होते हैं। अच्छा गुड न्यूज ये है कि जी इनकी जो है वो सीजन ऑफ सेल चल रही है, ठीक है, फ्लैट जो है वो 15% ऑफ है, यानी कि 15% आपको ऑफ मिलेगा। अभी से जाएं ढेर सारी शॉपिंग करें, अभी कम अज कम ना दो माह जो है वो विंटर के हैं, ठीक है, मैं भी जाऊंगी, मैं भी इनसे शॉपिंग करूंगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है, जो मुझे सूट पसंद आएंगे मैं और भी बनवाऊंगी, लेकिन काफी इन्होंने मुझे ऑलरेडी भेजे हैं। और अभी हम चिप्स वगैरह खा लें, ठीक है, उसके बाद हम ना गिव अवे के जो विनर्स है वो सिलेक्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अब होते सुबह भी बारिश हुई थी, अब सुबह भी बारिश हो रही है, ठीक है। अच्छा मलाइका रुशा ने जी यहाँ से खाना शाना खा के उन्होंने अपने सारे बर्तन उठा लिए, हम तो चले उठाए अपनी प्लेट, चले किचन में रख के लास्ट रह गई जी, और टेबल भी साफ करना है आज आपने, आप ही ने बर्तन धोए आज, आपकी ये ड्यूटी है, ठीक है, ओके। हम तो जितना भी खाना होता है ना इसको नीचे नहीं फेंकते, इसको इकट्ठा करते हैं, नो 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 नो, हाँ ऐसे इसको इकट्ठा करो, नीचे हैंडी रखो ऐसे, गुड बॉय। अच्छा वैसे इतने फ्राई आइटम खाने के बाद ना मुझे वैसे थोड़ी थोड़ी शर्म आ रही है ग्रीन टी पीते हुए, लेकिन अब मैं क्या करूँ, पीनी तो पड़ेगी ना जाहिर है। अब मैंने अपना इंस्टाग्राम जो है वो ओपन कर लिया है, डीएम से भरा हुआ है, ठीक है, आप लोगों के जो भी लकी विनर होंगे वो मैंने सिलेक्ट करूंगी, और आप लोग जो भी लकी विनर होंगे उन्होंने आके अपना इंस्टाग्राम के ऊपर अपना एड्रेस अपना फोन नंबर मेरे साथ शेयर करना है ताकि बहुत जल्द जो है उनका गिफ्ट जो है वो उन तक पहुंच जाए। अच्छा जी फर्स्ट जो लकी विनर है उनका नाम है जी आतिका नूरीन, ठीक है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको 2 पीस जो है वो आपके घर पे रिसीव होगा। साथ में है रुखसाना आमिर, आपको भी बहुत मुबारक हो, आपको भी जो आपका ड्रेस है वो घर पे रिसीव होगा, आप लोगों ने मुझे अपना एड्रेस जो है वो याद से भेजना है। थर्ड जो हमारे लकी विनर है उनका नाम है नूरीन फातिमा, और नेक्स्ट जो है इन सब ने पूरे रूल्स को फॉलो किया है, बहुत से लोगों ने फॉलो किया है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन इन्होंने भी जाहिर फॉलो किया है, और इन्होंने बहुत ज्यादा आगे से आगे जो पेजेस हैं वो शेयर किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हैं जी समन गफूर, समन गफूर आपको भी बहुत ज्यादा मुबारक हो, और लास्ट पे है अंबर इब्रार, अंबर इब्रार, ठीक है जी, आप सब लकी विनर्स को बहुत बहुत मुबारक हो, और जिनका नाम नहीं आ सका उनके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने 5 ही लकी विनर्स जो है वो सिलेक्ट करने थे, ठीक है। अच्छा आप सब अपने जो एड्रेस हैं वो मेरे साथ शेयर कर दें, और साथ में सेल का भी मैंने आपको बता दिया है कि आप ये इतने महंगे ड्रेसेस तो है नहीं, 15% फ्लैट जो है विंटर की सेल चल रही है, अभी काफी विंटर्स हैं, ढेर सारी शॉपिंग कर ले, क्योंकि महंगाई तो पता दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है, पता नहीं कहाँ पे जाके ये रुकेगी, अल्लाह ही खैर करे। अगर आप और इनकी वेबसाइट से जाके चीजें बाय करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम नंबर, जी स्टोर सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, आप इजीली जाएं जाके ऑर्डर करें, और ये वाले चिप्स भी आपने ट्राई करने और मुझे जरूर आके कमेंट सेक्शन में बताना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।